जुल्म के साये में मुंह खोलेगा कौन, हम नहीं बोलेंगे तो बोलेगा कौन। आवाम को जोहार, सलाम नमस्कार। लाइव इंडियन गार्ड से मैं मल्लिका, आज लाइव इंडियन गार्ड की टीम मौजूद है गीता रानी मैरिज हॉल में, जहां जेएलकेएम के सभी अधिकारी शामिल हैं। एक सम्मेलन का आयोजन किया गया है। मेरे साथ केंद्रीय प्रवक्ता सुशील मंडल जी हैं, उनसे जानना चाहूँगी आज के कार्यक्रम में कौन कौन से अतिथि रहे हैं और आगे को विधानसभा को लेकर के पार्टी की तैयारियाँ कैसी चल रही है। पहले तो बहुत स्वागत है सुशील जी। धन्यवाद लाइव इंडियन गार्ड के चैनल को, बहुत बहुत धन्यवाद। आज का जो कार्यक्रम है उसके बारे में बताइएगा। आज का कार्यक्रम धनबाद जिला बरवड्डा क्षेत्र में किया जा रहा है और आज का कार्यक्रम तमाम धनबाद जिला के अंतर्गत जितने भी केंद्र पदाधिकारी हैं, जिला पदाधिकारी हैं, प्रखंड पदाधिकारी हैं, बूथ कमेटी है, सबको बुलाकर आपस में कैसे समन्वय बना के कैसे बड़ी बड़ी पार्टियों से लड़ना है, बड़ी बड़ी ताकतों से कैसे लड़ना है, इस पर विचार विमर्श किया जा रहा है। तो आज कार्यक्रम में केंद्रीय अध्यक्ष भी मौजूद रहे थे क्या? हाँ, केंद्रीय अध्यक्ष जयराम महतो जी भी आए थे और उन्होंने अपनी बातों को रखा और उन्होंने दिशा निर्देश दिया है कि कैसे आगे बढ़ना है, कैसे जेबीकेएसएस को, जेएलकेएम को और मजबूत करना है। और आज उनका कार्यक्रम गिरिडीह में था, इसीलिए उनको थोड़ा पहले निकलना पड़ा। सुशील जी, विधानसभा नज़दीक है और पार्टी में कई तरीके की अटकलें रोजाना सामने आती है, कई बड़े चेहरे जो हैं वो विवाद में जा रहे हैं। मेरा सवाल आपका रिजवान क्रांतिकारी जी से जुड़ा हुआ रहेगा, फिलहाल करेंट स्टेटस उनका क्या है, पार्टी में है या नहीं है? रिजवान जी हमारे पार्टी में हैं और लगातार काम कर रहे हैं, देख सकते हैं आप जगह जगह पर वो अपने हमारी पार्टी का विस्तार कर रहे हैं, साथ ही साथ जहां पर भी आंदोलन हो रहा है वहां पर सक्रिय है। और रिजवान जी पर अभी इन्वेस्टिगेशन चल रहा है, हमारी जो इन्वेस्टिगेशन की टीम बनाई गई थी वो काम कर रहे हैं और जब तक कोई एक पुख्ता निष्कर्ष नहीं निकलता हम इस पर कोई टिप्पणी करना नहीं चाहिए। अन्य जो पार्टियां हैं, राजनाथ सिंह जो है वो धनबाद आए हुए थे, कल चिराग पासवान जी आए, कैसे देख रहे हैं भाजपा जो है विधानसभा के लिए जो तैयारियाँ कर रही है, कौन कौन दावेदार हो सकते हैं आपकी नज़र में? देखिए मैडम, भाजपा हो चाहे कांग्रेस हो, झारखंड की जो दुर्दशा है ना, इसी से झलकती है कि झारखंड के नेताओं को किसी और राज्य में नहीं ले जाया जाता प्रचार के लिए। तो इससे क्या पता चलता है कि हमारे अंदर, झारखंड के अंदर जो राजनीतिक नेता हैं बड़े बड़े, उनका वर्चस्व न कहीं से राजनीतिक दल में रहा है और न पूरे देश के इंडियन पॉलिटिक्स में रहा है। तो ये कहीं ना कहीं, चिराग पासवान अगर आते हैं बिहार से हमारे धनबाद के कोयला नगर में प्रचार करने के लिए और झारखंड का नेता झारखंड से बाहर कहीं जाता नहीं है, तो कहीं ना कहीं राजनीतिक कौशल को भी काम करने की ज़रूरत है, लोगों को, पढ़े लिखे लोगों को भी राजनीति करने की ज़रूरत है और किसी और नेता के यहाँ आने से कोई प्रभाव नहीं पड़ने वाला है। इस स्टेटमेंट जो कल चिराग पासवान ने मंच पर से दिया है कि मैं झारखंड प्रदेश का हूँ, मेरे जन्म के समय बिहार झारखंड एक था, कैसे देखते, क्योंकि सभी झारखंडी कार्ड खेल रहे हैं? आज बिहार झारखंड एक था उन्हें पता चलता है, सीजीएल के जो छात्र आंदोलन कर रहे हैं उनके साथ अगर खड़ा रहते तब पता चलता है बिहार झारखंड एक था। उस तरह से अगर देखा जाए तो बिहार से पूर्व बंगाल में था, तो बोल दीजिए बंगाल झारखंड बिहार सब एक था, आज बोल दीजिए बिहार बंगाल झारखंड उड़ीसा सब एक है। देखिए भारत एक लोकतांत्रिक देश है, हम सब भारतीय हैं, पर इंडिया इज अ कंट्री ऑफ स्टेट्स, इस बात को भी समझना पड़ेगा। चिराग पासवान जी से इस तरह की स्टेटमेंट की अपेक्षा नहीं करते हैं, पर क्या कर सकते हैं, झारखंड में आकर कोई कुछ भी कह के चला जाता है, कुछ भी करके चला जाता है और हम दर्शक तालियां बजा कर शांत रहते हैं। एक चीज़ बताइएगा, क्योंकि विधानसभा को लेकर जब सभी दल तैयारी कर रहे हैं, जमीनी स्तर पर जेएलकेएम लोकसभा के बाद कितना मजबूत हो पाया है? जमीनी स्तर पर हम काफ़ी मजबूत हुए हैं, हमारी लगभग 24 जिले की टीम तैयार हो चुकी है और साथ ही साथ हमारा जिला टीम काफ़ी अच्छा काम कर रही है, प्रखंड कमेटी बना रही है, बूथ कमेटी बना रही है और लोकसभा से हम काफ़ी मजबूत रहेंगे, क्योंकि पिछली बार हमारे पास बूथ कमेटी तक नहीं बनी थी, हमारे पास बूथ में रहने वाले लड़के नहीं थे और इस बार हमारे पास लगभग, देखिए धनबल हमारे पास नहीं रहेगा और अब व्यवस्थित जनबल जो होता है ना, सिस्टमैटिक जनबल, वो हमारे पास इस बार रहने वाला है। सर एक चीज़ बताइएगा, जैसे पार्टी में लोग तो काम कर ही रहे हैं लेकिन टाइगर जयराम महतो के अलावा बार बार यही सवाल उठ रहा है और मजबूत चेहरे सामने नहीं आ रहे हैं, जो कयास लगाए जा रहे हैं कि वो सभी बड़े चेहरों को आगे आने से रोकते हैं, क्या आप इस बात की तहकीकात करते हैं या खुद समझने का प्रयत्न करते हैं, क्या लगता है आपको? देखिए हमारी पार्टी या कोई भी दूसरा दल होता है लाइन ऑफ लीडर्स पे चलता है, पहला लाइन ऑफ लीडर में टाइगर जयराम महतो जी है, इसको नकारा नहीं जा सकता है, पर दूसरे लाइन में हमारे पास कई बड़े नेता हैं, हमारे पास
मनोज यादव जी हैं, देवेंद्र नाथ महतो हैं, आप मोतीलाल जी हैं, तमाम जितने भी नेता सेकंड लाइन ऑफ लीडर्स में, थर्ड लाइन, उस तरह लाइन ऑफ कैटेगरीज में चल रहा है और कोई भी राजनीतिक दल इसी तरह चलता है। अब हम लोग को क्या लग रहा है कि हम लोग इस पार्टी को काफ़ी नज़दीक से देख रहे हैं, तो हमें लग रहा है कि दूसरा कोई लीडर है ही नहीं, दूसरा लीडर है। आप खुद देखिए इतना आंदोलन हो रहा है, कितने लीडरशिप्स, नए नए लीडर्स, हम जैसे युवाओं को भी लीडरशिप करने का मौका मिल रहा है, नई नई चीज़ों को सीखने का भी मौका मिल रहा है। समय आने पर चीज़ें और विस्तार से लोगों के बीच आएंगी कि और नए नए लीडर्स हमारे बीच आएंगे। प्रवक्ता के तौर पर बोलने की आज़ादी है, पूरी आज़ादी है, पूरी आज़ादी है। हमें तो लगता है कि आर्टिकल 19 से भी ज़्यादा आज़ादी मिली है इस पार्टी में। आपके पास पावर्स की कोई कमी नहीं है, आप खुलकर काम कर सकते हैं और किसी भी प्रकार का रोक टोक, किसी प्रकार का दबाव नहीं है। अंतिम सवाल रहेगा, नए जेबी केसेस से क्या इस बार विधानसभा में लोग गुमराह होंगे? हंसी तो कुछ बता रही है। सबसे पहले जहाँ गुमराह शब्द आ जाता है ना, वहीं छल आता है, तो कहीं ना कहीं उनका जो छल है वो नज़र आ रहा है। तो छल जो है, झारखंडी जनमानस इस छल को समझ चुकी है। उन्होंने जब पार्टी को छोड़ा था, लोग थोड़ा सिंपैथी उनके तरफ गया था, पर उनका जो मंशा है, जैसे नया जेबीकेएसएस फर्जी जेबीकेएसएस बनाते हैं, तो उसके बाद जो उनके तरफ 1-2% का भी जो सिंपैथी था ना लोगों का, वो खत्म हो चुका है। मतलब जेबीकेएसएस के विरोध में जो रहेगा वो सब एक फर्जी करार दिए जाएंगे? जेबीकेएसएस के विरोध में कहाँ, जेबीकेएसएस मान लीजिए मेरा नाम सुशील मंडल है, एक और आदमी आ जाता है सुशील मंडल, सेम योग्यता सेम कुछ लेकर, तो कहीं ना कहीं वो छल है, छल के खिलाफ, छल के विरोध पूरा झारखंड करेगा, किसी एक व्यक्ति विशेष की तो बात है नहीं यहाँ पर। टाइगर जयराम है तो की तबीयत ठीक रह रही है? हाँ अब ठीक है, अब ठीक हाँ है। सुधार हो रहा है। देखिए अब मैं हूँ चाहे कोई भी, 300-400 किलोमीटर अगर एक दिन ट्रैवल करेंगे ना, तो अगला दिन, अगला क्या एक सप्ताह तक लगेगा कि बेड में लेटे रहें, लेकिन अब लगातार हर दिन उनका 400 से 500 किलोमीटर का ट्रैवल रहता है, तो तकलीफ़ें तो होंगी और उस तकलीफ को झेल रहे हैं हमारे अध्यक्ष, और कहीं ना कहीं राज्य की जनमानस भी इस बात को समझ रही है, इसीलिए उनका अपार समर्थन हर जगह दिख रहा है। लोगों का एक सवाल है आपसे जुड़ा हुआ, आप जेबीकेएसएस में प्रवक्ता के तौर पर हैं, लेकिन आपकी काबिलियत को देखकर लोग कहते हैं कि अगर ये किसी अन्य पार्टी में चले जाएं तो वहाँ बेहतर परफॉर्म कर पाएंगे, क्या आपको लगता है? नहीं, सबसे अगर इस सवाल को देखा जाए तो हमें नहीं लगता कोई और राजनीतिक दल एक साधारण से छात्र को इतना बड़ा पद देगा, इतनी आज़ादी देगी काम करने की, कोई और राजनीतिक दल में ये साहस ही नहीं है जितना जेबीकेएसएस में। जेबीकेएसएस नए लोगों को मौका देता है, नए लोगों को मंच देता है और नए लोगों को काम करने की आज़ादी देता है, नए नए लोगों को सीखने की, देखिए आज तक किसी भी पार्टी के प्रवक्ता को सीखने की आज़ादी नहीं है, पर यहाँ हर रोज़ हम लोग कुछ नया सीखते हैं, हर रोज़ कुछ नया एक्सपेरिमेंट करते हैं, सफल होते हैं। प्रवक्ता के पद पर खुश है या फिर विधायकी वगैरह आगे भी उधर किस्मत आजमाने की सोच? फिलहाल प्रवक्ता के पद पर हम खुश हैं और पार्टी को मजबूत करने के लिए अपना 100% दे रहे हैं। धन्यवाद। तो आप सुन रहे थे, यह सुशील मंडल जी पार्टी के प्रवक्ता हैं और बहुत मृदुभाषी हैं। वैसे सवाल जरा सा टेढ़े हो गए हैं, तो कमेंट सेक्शन में आप जरूर बताइएगा कि इस तरीके से आपको लग रहा है कि जेएलकेएम विधानसभा में परफॉर्म करने वाली है। अन्य अपडेट के लिए कहीं और जाने की जरूरत नहीं है, जुड़ सकते हैं लाइव इंडियन घाट के साथ।